जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। किचन कही तुमने कही, अब अनसुनी मेरी सुनो। कुछ बातें तब की, कुछ बातें लब की, कुछ उनकी भी सुनो। कहो तो सुना दूं मैं पलवो गुजारा था क्यों, उड़ते उन पंछियों को दूर तक निहारा था क्यों। अब छोड़ो न इन बातों का हंगामा करो, बस एक बार बस यूं ही मुस्कराने की अदा ही करो। जिया नमस्कार प्रणाम गोला गतानी निखिल राज के रुआ सभे के आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम। ओ अंगना में जेकर नाम हो बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। आप सभी को श्रद्धा का भी नमस्कार। एक बार फिर से आपके दिल के बागीचे में खिलाने हंसी की बहार, जिसके लिए आए हैं देश के जाने माने कवि। सबसे पहले हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं उनका परिचय मैं इस प्रकार दूंगी कि वो ओज और व्यंग के हैं महारथी, रिटायर्ड लेक्चरर हैं, काव्य महाकाव्य गीत और गजल की 8 किताबें लिख चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र राजा जी का। वहाँ कवि जी की चौपाल पर आपके सबको स्वागत कर रहा हूँ, श्रद्धा जी को भी और आपको भी और सभी दर्शकों को और अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम के साथ हमने क्या चाहें कि मैं दर्शक लोग कुछ सुने के चाहता हूँ। हाँ, दर्शक बहुत अच्छे बैठे हुए हैं मेरे सामने और सभी स्रोत सुनने को ही आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है। कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है, हर किसी को आप कहने का जमाना आ गया है। क्या बात है, बहुत खूब। हम 5 साल के बच्चे को आप कहते हैं, 85 साल के बुढ़े को तू कहते हैं, तब ये आवाज आई है कि हर किसी को अब कैचुओं को सांप कहने का जमाना आ गया है और हर किसी को आप कहने का जमाना आ गया है। और देखिए रिश्ते बदलते जा रहे हैं किस कदर, अब गधों को बाप कहने का जमाना। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत कीजिए नरेंद्र राणा जी का। पहुंचे न सूरज के धा कवि जी, वहां पहुंची ले रउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। अब हम जिकरा के बुलावे जा रहल बानी, उनकरा बारे में इतने कहें कि उनका उम्र से उनकरा सोच के गहराई के पता ना चलेला, और जब पता चलेला तो बहुत दूर तक जाला। जी हाँ, जोरदार ताली के साथ स्वागत करी कविता तिवारी जी के। कविता जी बहुत बहुत स्वागत पाए मंच पर। आप युवा कवित्री हैं और आपके नाम में ही कविता है, तो कविताएं कैसे कैसे कहेंगे, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ। टूटते सांस बचाने के लिए लिखती हूँ, टूटते सांस बचाने के लिए लिखती हूँ, शोक अंदाज बचाने के लिए लिखती हूँ, छोड़ श्रृंगार की बातों को ओज की बातें, देश की लाज बचाने के लिए। बहुत स्वागत कीजिए कविता जी का। जिक्र महफिल में हुआ तो क्षमा जल उठी, जिक्र महफिल में हुआ तो क्षमा जल उठी, जो चिराग बुझने को थे उनके आने से रोशन होने लगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृष्णकांत मधुर जी का। आपका अभिनंदन है और आपके तो नाम में ही मधुर लगा है, तो जरा अपनी इस मधुर वाणी से कुछ पंक्तियां हों। जी, मैं आपको ही समर्पित करता हूं, महुआ के दर्शकों को संबोधित करते हुए। गीतों की पालकी सजी कजरे की धार देख कर, गीतों की पालकी सजी कजरे की धार देख कर, आदमी से बन गया कवि आपका सिंगार देख कर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
बढ़िया बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। जोरदार ताली स्वागत कीजिए कृष्णकांत मधुर जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के भास्कर जी, वहाँ पहुँची ले बल्ला वाह कवि जी, वाह कवि जी। तो हमने के दरबार सच चुकल बा, हमने के तीनों कवि जी लोग अपन आसन ग्रहण कर चुकल बानी। तो देर कौन बात के बा, बुला रहा बने अपना कवि जी के, जेकरा बारे में तने कहें कि दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाई हैं, बस अपन याद छोड़ जाई हैं। लाख रोए के कोशिश करिए ब्रउआ, लेकिन वो हंसा के छोड़ दई हैं। जोरदार ताली से स्वागत करी राजेंद्र राजा जी के। महुआ चैनल पर आज उपस्थित सभी दर्शकों को और यहाँ के जितने भी मित्र हैं, मेरे कवि मित्र हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी हम जो राजनीति में जिसमें भी जी रहे हैं, इसमें आप सब हालत को जानते हैं। जी, एक छोटा सा हास्य का पुट और व्यंग का पुट देखिए। स्वागत। कि बड़े भैया जी ने छोटे भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया। वा, वा, वा। मगर भैया जी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही रोज उन्होंने एक पान की दुकान खोली, जिसे देखकर हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली, देखिए जी, भाग्य की भी क्या अजीब विडंबना है। बेचारे कल तक मंत्री थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा, अरे बावली, ये कल भी चूना लगाते थे और आज भी चूना। सवेरे सवेरे जैसे ही मैं गंदे नाले की ताजा हवा खाकर, यानी कि अपनी सेहत में चार चांद लगाकर लौटकर घर वापस आया, तो घर पर पत्नी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए पाया। वो अपनी टूटी सी चार पाई में खोलता हुआ पानी डाल रही थी, यानी कि बड़ी निर्ममता से बेचारे खटमलों को मार रही थी। ये दृश्य देखते ही मेरे अंदर महात्मा बुद्ध की आत्मा प्रवेश कर गई, यानी कि अपने घर में खुली हत्या देखकर मेरी आत्मा डर गई। मैंने कहा, देवी जी, थोड़ा बहुत भगवान का भी खौफ खाइए और खुल्लम खुल्ला ये जीव हत्या मत कराइए, और फिर ये कौन सी तुम्हारी जायदाद को बांट रहे हैं। अरे, टूटी सी चार पाई में पड़े हुए अपने दिनों को काट रहे हैं। टूटी सी चार पाई में पड़े हुए अपने दिनों को काट रहे हैं। इतना सुनते ही बोली, ज्यादा भोले मत बनिए, ये कम्बख्त दिन रात तो हमारा खून चूसे जा रहे हैं और आप है कि फिर भी इन पर रहम खा रहे हैं। मैंने कहा खून, अरे किसी ने सच्ची कहा है कि बेवकूफ जीवन साथी पाकर आदमी जिंदगी भर रोता है। अरे पगली, तुझे तो ये भी पता नहीं कि कहीं गरीबों में भी खून होता है। वाह वाह, बहुत खूब। पगली, तुझे तो ये भी पता नहीं कि कहीं गरीबों में भी खून होता है, और फिर ये तो हमारा जबरदस्ती हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारे शरीर में खून होने का एहसास करा रहे हैं। क्योंकि उस दिन डॉक्टर ने तो बताया था कि तुम्हारे शरीर में तो खून ही नहीं है। क्या उसने बात गलत कही है? मैंने कहा, नहीं, उसने तो सही कही है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर इन खटमलों को मारना है तो इनको मारने से कुछ नहीं होगा। अरे अगर मारना है तो उन मोटे मोटे खटमलों को मारिए जिन्होंने देश को चूसते चूसते उसे कंकाल बना दिया है और समूचे देश का बुरा हाल बना दिया है। इन खटमलों को मारने से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अगर तुमने एक भी मोटा खटमल मार दिया तो देश तुम्हारे गीत गाएगा। देश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाने चाहिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के भास्कर कवि जी, वहाँ पहुँची ले बल्ला वाह कवि जी, वाह कवि जी। फिलहाल जो वक्त हो चला है वो हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, बस ऐसे गए नहीं और ऐसे नहीं कहीं रुआ जाए मत, देखत रहे बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगा। तू हट पगले,
तू हट पगले पढ़ ले पढ़ा ले के पढ़ के अपना चरित्र बना ले के तेरी माँ उदास रहती है हो जा पप्पू पास कहती है। एक बार फिर से स्वागत बारहवा सभी के अंगना में जकड़ा कर रहुआ सभी प्यार से कहनी बिस्फाम बिस्कुट वाह कवि जी वाह कवि जी वाह कवि जी वाह कवि जी अरे वाह कवि जी। कैसे कह दे हम कि हमें तेरी जुस्तजू नहीं, सच तो ये है कि हमें तेरा इंतजार रहता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कविता तिवारी जी का। तालियां। महुआ चैनल के सभी दर्शकों को निखिल काव्य संसार की ओर से पूरी श्रद्धा के साथ नमस्कार करती हूँ। क्या बात है। मेरे मन में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और इस सुशिक्षित और इस सभ्य समाज से एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है भाई। करबद्ध निवेदन है सबसे, करबद्ध निवेदन है सबसे, अनुरोध मेरा स्वीकार करो, जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो। हम अधिक नहीं मांग रहे हैं आपसे, जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से प्यार करो, आचरण करो दुर्भावहीन तो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे, जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे, जितने भी पाप किए होंगे बिन गया गए धुल जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, बेटी की एक किलकारी में ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में, ये जूही चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। कल कल स्वर देगी भगीरथी, कल कल स्वर देगी भगीरथी, मन हरिद्वार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। अपना की श्रद्धा ममता को अपनाइए, अपना की श्रद्धा ममता को अपनाइए, घर द्वार देहरी पे संपदाएं पाइए, घर द्वार देहरी पे संपदाएं पाइए, कांटे बबूल के न व्यर्थ पछताइए, कांटे बबूल के न व्यर्थ पछताइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों का धन्यवाद कीजिए कविता जी का। धन्यवाद चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पहुँचे न सूरज के भाव कवि जी, वहाँ पहुँची ये मरुआ वाह कवि जी वाह कवि जी। कविता जी कहिए। देखिए दोनों कहने के लिए तड़प उठे हैं, आपने जो तड़प यहाँ जगाई है, जो दूर बैठी हमारी ऑडियंस है जो देख रही है वहाँ से, उनमें भी तड़प जगी होगी कि वाकई। एक बात मैं समझता नहीं, अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि बेटे बेटियों में अब तक इतना फर्क क्यों है, जबकि उस बेटे को जन्म देने वाली एक बेटी ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिना बेटी के
बेटा ना होता बेटी भी नहीं होती, माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, पत्नी नहीं होती, भाभी नहीं होती, ये सारे जो रिश्ते हैं प्यार के, वो कोई रिश्ता नहीं होता, प्यार ही नहीं होता, तो फिर इतना फर्क क्यों? बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके इस विचार का। इसी तरह ये विचार चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बेस्ट फैम बिस्कुट। वाह कवि जी, तू हट पगले, तू हट पगले, पढ़ ले पढ़ा ले के पढ़ के अपना चरित्र बना ले के तेरी माँ उदास रहती है, हो जा पप्पू पास कहती है। एक बार फिर से स्वागत बार हुआ सभी लोग के अंगना में, जेकर नाम हा बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, 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 अरे वाह कवि जी। कोई निगाहों से बात कर गया, दिल में फूलों की बरसात कर गया, बड़ा कमाल है उनकी मुस्कान में, वो हर महफिल को गुलजार कर गया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृष्णकांत मधुर जी का। हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय राजेंद्र राजा जी विराजमान है यहाँ पर। खैरियत? मैं तो घर चला गया, इनके 12th क्लास में बच्चा पढ़ता और टीवी चला रखा उसने बहुत जोर से। अच्छा। और टीवी में गाना बज रहा, मैं जट यमुला पगला दीवाना, वो रब्बा इतनी सी बात न जाना। मैं बोला मैं बेटा तुम्हारा एग्जाम कब से है? कि अंकल 1 मार्च से है। अच्छा। अब मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं बोला टीवी को बंद कर और मेरे वाला गीत सुन अब तू। अच्छा। तू हट पगले, तू हट पगले, पढ़ ले पढ़ा ले के पढ़ के अपना चरित्र बना ले के तेरी माँ उदास रहती है, हो जा पप्पू पास कहती है, तेरी माँ उदास रहती है, हो जा पप्पू पास कहती है। तू हट पगले, पढ़ ले पढ़ा ले कि पढ़ के अपना चरित्र बना ले के तेरी माँ उदास रहती है, हो जा पप्पू पास कहती है। ये पैरोडियों का रंग मैंने आपके सामने दिया और महुआ चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि आंगन में प्रेम बीज बो के देखिए, आंगन में प्रेम बीज बो के देखिए, सब हरा भरा है, आंख धो के देखिए, और कितने प्यार में पगा है आदमी का मन, एक बार तुम किसी के होके देखिए, एक बार तुम किसी के होके देखिए, एक बार तुम किसी के होके देखिए। और कहना चाहूंगा एक मुक्तक बड़े मन से लिखा है राजेंद्र राजा जी, भाई साहब समर्पित करता हूँ। स्वागत। हर दिल की धड़कन का प्रेम अगाध रहे हैं हम, मर्त्यलोक की अमर साधना साध रहे हैं हम, मधुर मधुर संगीत बजेगा सबके कानों में, शब्दों के पावों में घुंघरू बांध रहे हैं हम, शब्दों के पावों में घुंघरू बांध रहे हैं हम। और इसी भावना से जुड़ा हुआ एक गीत दे रहा हूँ। जिंदगी गुजरती है भाव जमा खोरी में, शब्द रखने पड़ते हैं दर्द की तिजोरी में, चिंतनी चिताओं में कवि, चिंतनी चिताओं में कवि, अंश अंश जलता है, मुस्कुराते गीतों का तब ये स्वर निकलता है, मुस्कुराते गीतों का तब ये स्वर निकलता है, मुस्कुराते गीतों का तब ये स्वर निकलता है। और इतने मंच होते हैं, रात हमारी कहीं होती है, दिन रास्तों में गुजरता है, तब मैंने कहा है भूल जाए घर आंगन रात रात सम्मेलन, भूल जाए घर आंगन रात रात सम्मेलन, बाहर है नींद भरे घर पत्नी का बेलन, भूल जाए घर आंगन रात रात सम्मेलन, बाहर है नींद भरे घर पत्नी का बेलन, रोटियां न बेल सके शीश पर ही चलता है, मुस्कुराते गीतों का तब ये स्वर निकलता है, मुस्कुराते
के गीतों का तब ये स्वर निकलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं आपका कृष्णकांत मधुर जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के भास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बरुआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। व्यस्त रही, मस्त रही और ऐसे ही खिलखिलात रही, हसत रही हमने की अंगना में, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, आज के एपिसोड में अपने अगला एपिसोड खातिर इंतजार करी, हंसे खातिर इंतजार करी, गुदगुदावे खातिर इंतजार करी। आई एम सो जल्दी, तब तक दी इजाजत, नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। देहरी पे संपदाएं पाइए, कांटे बबूल के न व्यर्थ पछताइए, कांटे बबूल के न व्यर्थ पछताइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए। मैंने कहा तो टाटा बिरला या डालमिया, वो बोले क्या कह रहे हैं मियां। मैंने कहा तो आप किसी बड़े दफ्तर के बड़े अफसर होंगे, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप नेता या तस्कर होंगे। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं, कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। देश है महान और तिरंगा भी महान है, यमुना महान यह गंगा भी महान है, राम है महान रहमान भी महान है, गीता है महान और कुरान भी महान है। इतनी महानता के बीच हम है बौने, हो गए हैं भ्रष्टाचारी हाथों के खिलौने, भावनाएं हुई वासनाओं की रखेल। ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल।